मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने सोलो मॉडल की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। सोलो मॉडल जो ग्रोथ थ्योरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ समझा जाता है, उस मॉडल के बारे में आपने मेरी लास्ट वीडियो में पढ़ा। और उस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे सोलो मॉडल जो है वो एक प्रोडक्शन फंक्शन को क्रिएट करता है और ये इंश्योर करता है कि कैसे जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो सोर्स बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इस वीडियो में आप सोलो मॉडल का एक इम्पोर्टेंट फीचर यानी स्टडी स्टेट के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, स्टडी स्टेट अंडर सोलो मॉडल। तो आइए देखते हैं इसको। सोलो मॉडल जो है जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन उसके अंडर एक यूज किया जाता है और वो प्रोडक्शन फंक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आउटपुट जो है उसके इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट। इस वीडियो में स्टडी स्टेट कैसे अचीव करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे और एक एक करके ये जो तीन हमारे यहाँ जो ये फैक्टर्स हैं इनको भी हम चेंज होते हुए देखेंगे। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जो प्रोडक्शन फंक्शन था सोलो मॉडल में उसे पर इफेक्टिव टर्म्स में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी फॉर्म ऐसी होती है। तो सोलो मॉडल के रिव्यू के बाद आइए चलते हैं और स्टडी स्टेट को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने ये भी देखा था कि सोलो मॉडल में इक्विलिब्रियम जहां अटेन होता है तो वहां जैसे कि नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि ए डी इज इक्वल टू ए एस और उसका दूसरा फॉर्म हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है सेविंग्स के। और सेविंग को हमने डिफाइन किया था कि अगर स्मॉल एस जो है वो सेविंग रेट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे अगर हम आउटपुट से तो वी गेट द टोटल सेविंग्स और ये इक्वल होंगी इन्वेस्टमेंट के। इसी को हमने ट्रांसलेट किया था पर इफेक्टिव टर्म्स की फॉर्म में तो हमें इस फॉर्म में हमें एक रिलेशन अचीव हुई थी। सो द इक्विलिब्रियम अंडर सोलो मॉडल एग्जिस्ट वेयर इन्वेस्टमेंट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इक्वल्स सेविंग पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर। नाउ सेविंग इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग सेविंग रेट एस विद आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर जैसे मैंने अभी आपको यहां एक्सप्लेन किया था। Now, in the previous slide also you learnt that Y is equal to FK means output per unit of effective labor is a function of capital per unit of effective labor. So because ये relation जो है ये हमने पहले ही explain की हुई है तो इसकी वजह से यहाँ we get this relation ये Y को replace कर दिया हमने FK से, so we get SFK. Now, अभी तक हमने यहाँ इस मॉडल में ये assume किया हुआ है कि there is no depreciation, capital loss नहीं हो रहा है because of wear and tear. तो ऐसे में जितना भी हम investment कर रहे हैं वो सारा का सारा capital stock को increase करने में use हो रहा है। जो capital formation है investment है वो equal है। So this completely goes into addition into the capital stock. ये पूरा का पूरा capital stock को increase कर देता है। Capital stock decrease हो नहीं रहा है क्योंकि depreciation नहीं है। So we can say the rate of growth of capital stock का increase होने का जो rate है वो directly equal है किसके rate of investment के और rate of investment किसके बराबर है SF के। So we can say that K dot K dot means growth rate of capital stock K. किसी भी वेरिएबल के ऊपर डॉट जब लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज। तो जो हमारा पर इफेक्टिव लेबर कैपिटल है उसका जो ग्रोथ रेट है उसको हम कह सकते हैं वो डायरेक्टली इक्वल है इन्वेस्टमेंट रेट के और दैट मीन्स कि इट इज इक्वल टू
SFK। अब ग्रेजुअली जो हमारी दो तीन जो इसमें अजम्पशंस थी, कुछ वेरिएबल्स को जो हम मान के चल रहे थे कि दे आर नॉट चेंजिंग, ग्रेजुअली हम देखेंगे कि एक एक करके उनको चेंज करते जाएंगे और हम देखेंगे कि ये जो स्टेडी स्टेट है ये कैसे अफेक्ट होने लगता है ना, चेंज इन कैपिटल एंड स्टेडी स्टेट। इस स्लाइड में जो मैंने आपको ये रिलेशंस दिखाए हैं ये बेसिकली स्टडी स्टेट है, और स्टडी स्टेट कब, जब कोई पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो रही हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ना हो रही हो और डेप्रिसिएशन ना हो रहा हो। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उसमें जो हमारा लेबर है वो इंक्रीज होगा, अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो हमारा जो टेक्नोलॉजी कोफिशियंट है ए वो इंक्रीज होगा, तो और अगर डेप्रिसिएशन होगा तो हमारा कैपिटल का जो स्टॉक है, कैपिटल का स्टॉक यानी हमारा जो लार्ज के है वो डिक्रीज होगा। तो ये हम अभी तक एज्यूम कर रहे थे कि ये सब चेंज नहीं हो रहे हैं, इनकी एब्सेंस में हमने स्टडी स्टेट को स्टडी किया है। अब नाउ एज्यूम फॉर द टाइम बींग दैट देयर इज नो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रही है अभी भी, एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी अभी नहीं हो रही है, तो दैट मींस कैपिटल स्टॉक जो है ये चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल ग्रोथ हो सकती है और कैपिटल डिक्रीज भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन की वजह से कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी और इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल ग्रोथ को स्टडी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सी सोलो मॉडल अज्यूम्स दैट एग्जिस्टिंग कैपिटल डेप्रिशिएट्स एट द रेट डेल्टा, तो डेल्टा जो है वो डेप्रिशिएशन का रेट है। तो हर साल क्या होगा, अगर प्रीवियस हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल के है तो उसका एक पार्ट यानी डेल्टा के वो डिक्रीज हो जाएगा हर साल कैपिटल के स्टॉक में से बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ये हमारा जो कंपोनेंट है ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, और ये हमारा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन साथ ही साथ हर साल इस कैपिटल स्टॉक में ये जो के हमारा कैपिटल स्टॉक है इसमें एडिशन भी होगा, और वो एडिशन किस चीज का होगा, हमारा एडिशन होता है इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐड होगा, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगी। अब हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड द ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक इज नेट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो ग्रोथ जो होगी कैपिटल स्टॉक में वो इन दोनों का जो चेंजेस हैं उनका नेट होगा, उनका बैलेंस होगा। तो अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो ऐसे में जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इसका ऑपोजिट ट्रू है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्जर है और ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ये कम हो रहा है, तो ऐसे में कैपिटल में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इस रिलेशनशिप को समझिए कि यहाँ जो ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर है इट इज अ नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और साथ में हमारा डेप्रिसिएशन क्या है। तो इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस जो है वो डिटरमाइन करता है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसका रेट क्या है। अब हमने अर्लियर स्लाइड में ये पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, और सेविंग क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ सेविंग रेट एंड द आउटपुट। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में और हम वी गेट दिस इक्वेशन के डॉट टी। सो ये जो आइडेंटिटी हमें मिली है यहाँ पे के डॉट टी इज इक्वल टू एस एफ के टी माइनस डेल्टा के टी, और टी यहाँ क्या है, टी एक टाइम कंपोनेंट है यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो रेट ऑफ कैपिटल इंक्रीज जो है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल है वो दैट इज डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट रेट इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड और जो डेप्रिसिएशन है इन द सेम पीरियड उसकी वजह से ये डिटरमाइन होता है। द ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक,
पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट रेट एंड डेप्रिसिएशन रेट। तो अगर डेप्रिसिएशन फास्ट हो रहा है तो कैपिटल स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट रेट फास्ट हो रहा है तो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अब डायग्रामेटिक फॉर्म में भी इसको हम समझ लेते हैं। तो यहां देखिए ब्रेक इवन पॉइंट हमें कहां अचीव होता है, हैव अ लुक एट दिस रिलेशनशिप। दिस इज बेसिकली डेप्रिसिएशन कंपोनेंट एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। अगर हमारा स्मॉल के डॉट जीरो हो, जीरो कब होगा, जब स्टेडी स्टेट होगा। स्टेडी स्टेट होगा यानी देर इज नो चेंज इन कैपिटल टेकिंग प्लेस, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, सो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टडी स्टेट पर देर इज नो चेंज, और क्योंकि के डॉट जो है वो जीरो है, सो वी गेट दिस दैट एस एफ के टी इज इक्वल टू डेल्टा के टी नो एट पॉइंट के स्टार इन द फिगर। और इसको कहां दिखाया गया है फिगर में, इसमें दिखाया गया है एट दिस पॉइंट के स्टार। यू कैन सी इन दिस फिगर कि यहां हमने आउटपुट लिया है एंड हेयर ऑन एक्स एक्सिस वी टेक द कैपिटल। ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली द डेप्रिसिएशन कर्व, और क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो थ्रू आउट फिक्स है, एक कांस्टेंट डेप्रिसिएशन रेट है, तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमने यहाँ इसको डिपिक्ट किया है। साथ ही हमने यहाँ पे दिखाया है एस एफ के एज यू नो इज द सेविंग, और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है एट इक्विलिब्रियम लेवल। एंड नाउ यू कैन सी हियर के एट पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट एक्स, ये ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, जहां कि हमारा जो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का वो इक्वल हो जाता है डेप्रिसिएशन वाले कंपोनेंट की। और इस पर आप देख सकते हैं कि इसे हम ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इस पॉइंट एक्स को, यानी यहां जो ये इन्वेस्टमेंट का लेवल है दिस इज ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, हम इसको कहते हैं के स्टार लेवल ऑफ कैपिटल पर। इसे हम स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल भी, ये जो हमारा के स्टार है इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। ये भी हम इसको कहते हैं। सो नाउ अब ध्यान दीजिए कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट की तरफ, यानी इस पूरे जोन में, इस पूरे एरिया में, यू कैन सी के ये जो डेप्रिसिएशन है दिस इज लेस देन द सेविंग कंपोनेंट एंड द इन्वेस्टमेंट। तो इस पूरे एरिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो रहा है और जो डेप्रिसिएशन है वो कम है, यानी कैपिटल का लॉस जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। दिस यू कैन सी हियर, इसमें क्या होगा, ऐसे केस में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा, कैपिटल स्टॉक राइजेज इस पूरे एरिया में। यहाँ इस पूरे एरिया में ये आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और कैपिटल का लॉस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन वो कम हो रहा है, तो कैपिटल स्टॉक ऐसे में बढ़ता चला जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए इस तरफ कैपिटल स्टॉक इज राइजिंग। तो K1 अगर एक पॉइंट हमने देखा था, तो K1 से K स्टार की तरफ हम मूव करते हैं तो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप देखें हमारा जो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके राइट साइड की तरफ अगर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर एरिया में यू सी डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सीड करता है इन्वेस्टमेंट को, फ्रेश इन्वेस्टमेंट को। तो ऐसे में स्टॉक ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता चला जाएगा। स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कम है डेप्रिसिएशन से। सो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम इस तरफ आए, लेफ्ट की तरफ आए तो मूव करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हम एक बार फिर स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल को अचीव कर पाएंगे। नाउ इसी डायग्राम को ध्यान से देखिए आप,
यहाँ पर यू विल लर्न अ फ्यू मोर थिंग कि वंस द इकोनॉमी अटेन्स द स्टेडी स्टेट देर इज नो प्रेशर ऑन के टू इंक्रीज और डिक्रीज. एक बार अगर ये स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए ना तो यहाँ इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मूव करने के लिए. लेकिन अगर ये या तो इस तरफ है या इधर है हम, तो दोनों ही सिचुएशंस में देर इज प्रेशर ऑन कैपिटल टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज टू रीच द स्टेडी स्टेट. ये जहां पर लॉस ऑफ कैपिटल बराबर हो जाए इंक्रीज इन कैपिटल, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए फिर से इसके डेप्रिसिएशन की. तो दस सेविंग रेट इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ एन इकोनॉमीज आउटपुट एंड कैपिटल. तो सेविंग रेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जिसमें हाई सेविंग रेट होगा वहां हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा. कैपिटल ज्यादा होगी वहां पर सेविंग रेट ज्यादा होने की वजह से, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी सेम लेवल ऑफ आउटपुट होते हुए भी अगर सेविंग रेट अगर ज्यादा हो तो टोटल सेविंग जो है वो ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा. राइट. तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सेविंग रेट एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है. और ये जो अलग अलग कंट्रीज में जो डिस्पैरिटीज होती है आउटपुट की, किसी कंट्री में आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, किसी कंट्री में आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है, उसको काफी हद तक ये जो सेविंग रेट की जो वेरिएशन है, यानी जो सेविंग रेट की जो वेरिएशन है, ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों उनमें इतना आउटपुट में इतना वेरिएशन होता है. सो दिस इज ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट एंड स्टेडी स्टेट व्हेन देयर इज चेंज इन द कैपिटल. अब इसके बाद में कुछ और यहाँ पर रिलैक्स करेंगे हम, जो बेसिक अजम्पशंस थी सोलो मॉडल की उनमें. नेक्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ. तो आइए देखते हैं उसको कि अगर पॉपुलेशन में चेंज होना शुरू हो जाए. अभी तक हमने अज्यूम किया था कि पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो स्टडी स्टेट कैसे बिहेव करता है. अब हम यहाँ कहते हैं कि अर्लियर वर्जन में हमने क्या कहा कि नो पॉपुलेशन चेंज. लेकिन अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है, उसका रेट जो है पॉपुलेशन चेंज का वो है एन, यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एन. सेम रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लेबर फोर्स का भी है इंक्रीज होने का, लेबर फोर्स का और पॉपुलेशन का सेम ही रेट है इंक्रीज होने का. तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमें सेम कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर, क्या है कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर, यानी कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर अगर हमें मेंटेन करना है, यानी स्मॉल के अगर मेंटेन करना है, क्या होता था ये लार्ज के अपॉन ए एल. अब नाउ क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सो दिस एल विल इंक्रीज, एल इंक्रीज होगा तो नेचुरली अगर हम कैपिटल को इंक्रीज नहीं करेंगे तो कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर हमें इसको मेंटेन रखना है, सेम लेवल मेंटेन रखना है, तो वी नीड टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ऐसे में. राइट. सो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि पहले जब कैपिटल में चेंज आ रहा था तो वहां हमें डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना था, कि डेप्रिसिएशन को ऐसे तरीके से एडजस्ट करें कि हमारा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, यानी ये कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर जो है ये हमारा चेंज ना हो. और इसके जो कंपोनेंट से जो इसको अफेक्ट करते थे वो थे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन इसको अफेक्ट करते थे. तो हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना था कि डेप्रिसिएशन को हम इक्वेट कर पाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, जिसको हम कह रहे थे कि एस एफ के शुड बी इक्वल टू डेल्टा के. ये हम चाह रहे थे कि ये कब था, जब सिर्फ कैपिटल चेंज हो रहा हो. लेकिन अब क्योंकि लेबर भी चेंज हो रही है तो हमें कैपिटल स्टॉक को में इतना इन्वेस्टमेंट करते रहना है कि ये जो डेल्टा है, यानी डेप्रिसिएशन की वजह से जो स्टॉक में कमी आ रही है वो भी एडजस्ट कर पाए, और साथ में लेबर में इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा पर यूनिट इफेक्टिव लेबर जो हमारा कैपिटल है ये हमारा मेंटेन रह पाए लेबर इंक्रीज होने के बावजूद भी. तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ एडजस्ट करना होगा डेल्टा के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट है, और साथ ही साथ एन के लिए जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है. तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक है, टोटल कैपिटल स्टॉक जो है, उसमें एटलीस्ट इतना रेट से इंक्रीज होता रहना चाहिए, तभी हमारा ये अनचेंज रहेगा, नहीं तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि हमारा जो स्टॉक है डेप्रिसिएशन की वजह से इस रेट से गिर रहा है, और लेबर में इंक्रीज होने की वजह से हमारा ये जो रेशियो है
ये भी डिक्रीज हो रहा है इस रेट की वजह से, तो हमें टोटल इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, उससे फिर आपको और क्लियर होंगी चीजें। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एन प्लस डेल्टा, ये एडजस्टमेंट अब हमें करना है इसमें, राइट। सो एन प्लस डेल्टा इज द रेट ऑफ फॉल इन कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर, यानी इस रेट से स्मॉल के जो है वो कम हो रहा है। तो अगर हमें इसे अनचेंज रखना है, इसे डिक्रीज होने से बचाना है, तो वी नीड टू इंक्रीज कैपिटल के, कैपिटल के को इंक्रीज करना होगा, इसे इंक्रीज करते रहना होगा इस रेट से। अगर इस रेट से ये इंक्रीज होता रहा तो ये स्मॉल के अनचेंज रहेगा, स्टेडी स्टेट रहेगा इकोनॉमी में, राइट। तो अब एक बार इस रिलेशन को देख लीजिए। नाउ वी हैव अ फ्रेश रिलेशन, यानी के डॉट टी। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो रेट ऑफ चेंज है स्टॉक ऑफ कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर का, वो इंक्रीज होना है किससे, इन्वेस्टमेंट से, और डिक्रीज होने के अब उसके दो कंपोनेंट है, डेप्रिसिएशन की वजह से वो डिक्रीज हो सकता है और साथ ही पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से भी वो डिक्रीज हो सकता है। सो नाउ वी हैव टू एडजस्ट बोथ दीज थिंग्स, और इनको अगर हम कॉमन ले लें तो वी कैन से कि एन प्लस डेल्टा के टी। सो ये जो ग्रोथ रेट है, इट इज नाउ नेट ऑफ टू थिंग्स, इन्वेस्टमेंट रेट एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस पॉपुलेशन राइज। ये दो चीज अब हमें इसमें एडजस्ट करनी है। For steady state, the amount of investment required must not only cover depreciation, खाली depreciation को ही cover नहीं करे अब वो, but also provide new workers with capital NK. तो जो नए जो worker market में अब enter कर रहे हैं because of this population increase, इनको fresh capital भी provide करे, ताकि जो capital output ratio, ताकि जो capital का ratio है per unit effective labor, वो unchanged रहे। तो इतनी कैपिटल और एक्स्ट्रा चाहिए अब मार्केट में। सो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट नाउ वुड बी, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पहले जब पॉपुलेशन राइज नहीं हो रहा था तो हम कह रहे थे कि एस एफ के इज इक्वल टू डेल्टा के, लेकिन अब ये डेल्टा प्लस एन के होगा, डेल्टा प्लस एन के होगा, राइट। अब ध्यान रखने के लिए बात एक कि स्टडी स्टेट पर क्या होता है, वी विटनेस कांस्टेंट के एंड वाई। स्टडी स्टेट तभी होता है ना कि जब स्मॉल के चेंज ना हो और वाई यानी आउटपुट क्या है एफ के, क्योंकि स्मॉल के चेंज नहीं हो रहा है तो वाई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आउटपुट भी चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट पर यूनिट इफेक्टिव लेबर वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये स्टडी स्टेट है। तो लेकिन अब देखते हैं टू कंट्रीज का एग्जांपल हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसा मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ चेंजेस हैं, जैसे मैंने कहा था कि सेविंग रेट में जो वेरिएशन है उसकी वजह से कंट्रीज में डिफरेंसेस होते हैं उनके आउटपुट में। यहाँ हम पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ दो अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट रेट पर चल रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है आउटपुट पर। देखिए There are two countries. Country one has a population growth rate N1. Country two has a population growth rate N2. दोनों countries का population growth rate N1 और N2 बताया गया है। Country two has faster population growth rate N2. Country two का जो population growth rate है वो fast है, यानी कि N2 greater than N1 है। ध्यान से देखिएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक में, that N2 is greater than N1. मिसप्रिंट है वहां। Now, अब स्लोप जो है वो हायर है कंट्री टू के लिए, क्यों, क्योंकि N2 जो है वो लार्जर है, N2 लार्जर है। अब सेविंग रेट जो है दोनों कंट्रीज का हमने एक्सप्लेन कर दिया। द कंट्री विद हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज लोअर लेवल ऑफ के स्टार। अब यहां देखिए, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है उसका जो कर्व है वो स्टीपर है, कंट्री टू का कर्व स्टीप है कंट्री वन के कंपैरिजन में, आप देख सकते हैं। और इसमें
ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कंट्री टू के लिए यहाँ है और कंट्री वन के लिए यहाँ है. यू कैन सी कि ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री टू में एक लोअर लेवल ऑफ कैपिटल पर है, यानी के टू स्टार पर है, जबकि कंट्री वन में ये के वन स्टार पर है. आप देख सकते हैं कि क्योंकि के वन स्टार एक लार्जर लेवल ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर है के टू स्टार के कंपेरिजन में, नेचुरली क्योंकि कंट्री टू में कम, कंट्री टू में एक लोअर लेवल ऑफ कैपिटल पर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें नेचुरली आउटपुट भी कम होगा, क्योंकि उसका जो आउटपुट होगा वो होगा एफ के टू स्टार. तो स्टेडी स्टेट पर जो आउटपुट होगा कंट्री टू में वो होगा वाई टू. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहां स्टार हम लगा रहे हैं वो वैल्यूज स्टेडी स्टेट के लिए हैं, इसलिए उसमें स्टार हम अप्लाई कर रहे हैं. तो वाई टू यानी कि आउटपुट जो है कंट्री टू में स्टडी स्टेट पर वो के टू स्टार का फंक्शन होगा, और के टू स्टार क्योंकि लोअर वैल्यू है अगर हम कंपेयर करें, कंट्री वन में क्या होगा वाई वन स्टार इज इक्वल टू एफ के वन स्टार, क्योंकि ये एक लार्जर वैल्यू है इस के टू से, तो नेचुरली वाई वन स्टार भी ज्यादा होगा वाई टू स्टार से, इसलिए कंट्री वन में आउटपुट जो है वो लार्जर होगा. सो दिस एक्सप्लेन्स कि अगर दो कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिफरेंट हो, बाकी वेरिएबल सेम भी हो, तो भी उनका आउटपुट लेवल जो है वो डिफरेंट होता है. बाकी चीजें इस डायग्राम में सेम है, वाई एक्सिस पर हमने आउटपुट और एक्स एक्सिस पर हमने कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर को डिपिक्ट किया है. सो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ऑन स्टडी स्टेट. अब हम आगे मूव करते हैं और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या इम्पैक्ट है उसको स्टडी करते हैं. इसको स्टडी करने के बाद में फिर हम लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का वो है गोल्डन रूल. गोल्डन रूल को स्टडी करने के बाद दैट विल बी द एंड ऑफ स्टडी स्टेट टॉपिक इन सोलो मॉडल. नाउ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या है. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इम्पैक्ट करता है जो हमारा वेरिएबल होता है प्रोडक्शन फंक्शन में ए, उसको अफेक्ट करता है. हमने इनिशियली स्टडी किया था कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ के ए एंड एल. नाउ अगर ये अफेक्ट होता है तो हाउ डज इट चेंज द स्टडी स्टेट. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्मॉल के कैसे अचीव होता है, कैपिटल के अपॉन AL. तो जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होने पर, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पर ये जो हमारा स्मॉल के है ये डिक्रीज हो सकता है, और इसको सेम हमें अगर स्टेडी स्टेट पर मेंटेन रखना है तो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. सिमिलरली वी हैव टू डू विद दिस. अगर टेक्निकल प्रोग्रेस अगर हो रही है तो उस केस में भी वी हैव टू इंक्रीज कैपिटल स्टॉक टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर, अदरवाइज ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सो दैट मींस कि पहले हमें एडजस्ट करना था, सबसे पहले हमें एडजस्ट करना था डेल्टा यानी डेप्रिसिएशन के लिए, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई तो हमें एन के लिए एडजस्ट करना था, और अब क्योंकि इफेक्टिव लेबर जो है सॉरी जो हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से जो हमारा ये जो कंपोनेंट ए व्हिच इज बेसिकली टेक्निकल कोफिशिएंट, तो इसकी वजह से अब हमें एक और कंपोनेंट इसमें ऐड करना है जी. सो ये जी क्या है, जी बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, राइट. सो जी भी अब हमें इसे इसमें कंपोनेंट इंक्रीज करना है, क्योंकि सोलो मॉडल में टेक्निकल कंपोनेंट जो है ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जो कंपोनेंट है ये लेबर ऑगमेंटिंग होता है बेसिकली. लेबर लेबर ऑगमेंटिंग मींस कि ये लेबर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है प्रोडक्शन की. सो वो जो रिलेशन है हमारी वो इस तरीके से चेंज होती है जो स्टेडी स्टेट रिलेशनशिप है, यानी कि ये पहले की तरह ही हमारा इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये रेट ऑफ फॉल डिटरमाइन करता है किसकी वजह से, ये एन जो हमारा कंपोनेंट है एन किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, ये जी किसके लिए टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए, और ये डेप्रिसिएशन के लिए. तो तीनों कंपोनेंट है मिलकर के ये दे आर रीजन फॉर फॉल इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, और ये इन्वेस्टमेंट क्या है दिस इज अ रीजन फॉर राइज इन कैपिटल स्टॉक. तो अगर हमें मेंटेन करना है अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर, अगर हमें के को स्टडी स्टेट पर मेंटेन रखना है तो वी नीड टू हैव दिस
रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू जीरो। इसके लिए हमें रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, जीरो हमें चाहिए। और अगर ये जीरो होगा तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर आप समझ सकते हैं, जैसा पहले आपने देखा था, इसका जीरो होने का मतलब है कि ये और ये कंपोनेंट दोनों बराबर है, यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट। सो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ सोलो मॉडल। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्जाम में कोई भी पूछते हैं अगर, तो अगर स्टडी स्टेट के बारे में बात होती है, स्टडी स्टेट अंडर प्रेजेंस ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कैपिटल चेंज, तीनों की प्रेजेंस में अगर स्टडी स्टेट की इक्वेशन हमें बतानी है, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सोलो मॉडल। नाउ टेक्निकल प्रोग्रेस को डायग्रामेटिक फॉर्म में स्टडी कर लीजिए। अब हियर यू कैन सी कि यहां अब ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये तीनों कंपोनेंट को यहां एड्रेस कर रहा है, एन जी एंड डेल्टा। एंड अगेन जहां ये स्ट्रेट लाइन कर्व सेविंग्स कर्व को इंटरसेक्ट करता है, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। दिस पॉइंट एक्स, दिस इज ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के स्टार, राइट। सो स्टडी स्टेट भी इसको हम बोलते हैं, स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर भी इसको हम बोलते हैं। सो दिस इज के स्टार नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीजेस ए एंड हैज द इफेक्टिव लेबर ए एल। टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से ए इंक्रीज होता है, और ए को मल्टीप्लाई करें हम एल से, तो वो इफेक्टिव लेबर होता है, तो यानी इफेक्टिव लेबर इंक्रीज हो रहा है। द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इज नाउ एट एन जी प्लस डेल्टा के। सो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। और ये जो तीनों कंपोनेंट है एन जी और डेल्टा, ये तीनों की कोई ऐसी लिमिट तो नहीं है कि कोई इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर कि ये क्या वैल्यूज अज्यूम करेंगे, बट हाँ, लेकिन कॉमनली इनकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि एन जी प्लस डेल्टा तीनों जो है, ये अगर इनको हम ऐड कर दें तो तीनों की वैल्यू जीरो से लार्जर होगी। सो इन द स्टडी स्टेट कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर एंड आउटपुट पर इफेक्टिव लेबर रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज अ ग्रोथ इन आउटपुट पर इफेक्टिव लेबर एट रेट जी एंड टोटल आउटपुट ग्रोज एट रेट एन प्लस जी। और टेक्निकल प्रोग्रेस जो है उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि एन प्लस जी प्लस डेल्टा के जो है ये क्या है, ये कंपोनेंट है जो कैपिटल स्टॉक को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कंपोनेंट है जो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहां ये इक्वेट हो जाए उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपिटल, ये जो हमारा कैपिटल का लेवल है इसको स्टेडी स्टेट कंपोनेंट हम कहते हैं, राइट। सो नाउ द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी स्टेट इन सोलो मॉडल, दैट अकॉर्डिंग टू सोलो मॉडल परसिस्टेंट राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो कैपिटल इंक्रीज हो जाए या पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि वो कहां तक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दैट देयर इज नो एंड टू इंक्रीज द आउटपुट, कि हम बस कैपिटल इन्फ्यूज करते चले जाएं, कैपिटल इन्फ्यूज करते चले जाएं, क्योंकि ये हमने फंक्शन स्टडी कर लिया है और हम कहें कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ के, तो कैपिटल इंक्रीज करते जाओ सो वी कैन इंक्रीज द आउटपुट विदाउट एनी एंड टू दिस प्रोसेस, कि हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड वे में हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। देयर इज अ लिमिट आफ्टर सम पॉइंट, एज यू हैव लर्नड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलो मॉडल, की जो ये इस तरीके से एफ के जो है कर्व ऐसे बनता है, इफ दिस इज वाई एंड दिस इज के, यानी कि कैपिटल इंक्रीज करने पर आउटपुट इंक्रीज तो होता है लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं होते हैं। अगर हमें इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स से बचाना है तो वी नीड टू हैव दिस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सिर्फ यही एक कंपोनेंट ऐसा है जिसकी वजह से हम इस डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स से बच करके हमारा आउटपुट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला जाए, यही एक कंपोनेंट है। सो आप अपनी बुक्स को स्टडी करेंगे, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस
वीडियो इज द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या है कि द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कैन चेंज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सेविंग रेट। अभी तक हम चेंजेस देख रहे थे किस चीज की वजह से, एन की वजह से, जी या डेल्टा की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन था उसको हम अनचेंज मान रहे थे कि देर वॉज नो चेंज इन सेविंग रेट, एंड जो भी चेंजेस हो रहे थे वो कैपिटल इंक्रीज की वजह से हो रहे थे, और कैपिटल इंक्रीज की वजह से आउटपुट चेंज होकर के उससे ये जो हमारा कर्व है ये ऐसे फर्दर आगे मूव कर रहा था। लेकिन अगर सेविंग रेट अगर चेंज हो जाता है, सेविंग रेट यानी कि एस एफ के में अगर दिस सेविंग रेट इज चेंज, तो उससे क्या होगा, एक फ्रेश कर्व हमें अचीव होगा। जैसे जैसे सेविंग रेट इंक्रीज होगा वी विल हैव हायर एंड हायर इन्वेस्टमेंट कर्व्स, राइट। तो वही यहाँ इसमें डिपिक्ट किया है, यहाँ दो इन्वेस्टमेंट कर्व्स दिखाए गए हैं आपको कि S1 अगर हमारा सेविंग रेट है तो उसके लिए कर्व आपको दिखाया गया है, और अगर ये सेविंग रेट इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी में, सो नाउ वी आर सेविंग मोर अ लार्जर पार्ट ऑफ आवर आउटपुट, सो वी हैव हायर इन्वेस्टमेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ कैपिटल, ऑन एवरी लेवल ऑफ कैपिटल वी हैव हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। सो अर्लियर अगर हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट यहाँ था K1 स्टार पर, तो सेविंग्स सेविंग रेट जो हमारा इंक्रीज हुआ S2 हमारा है S1 से ज्यादा, तो S2 यानी अगर सेविंग रेट इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो फ्रेश हमें कर्व मिला है, इस कर्व नए कर्व की वजह से ये हमें एक नया ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट अचीव होगा जो कि लार्जर है पहले पुराने लेवल ऑफ कैपिटल से, पुराने लेवल ऑफ कैपिटल से यानी K2 स्टार। तो दैट मींस कि अगर सेविंग रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो वी हैव अ लार्जर लेवल ऑफ स्टडी स्टेट कैपिटल, और क्योंकि स्टडी स्टेट कैपिटल लार्जर है तो इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट भी यानी कि स्टडी स्टेट आउटपुट जो होगा हमारा, स्टडी स्टेट आउटपुट जो है वो भी हमारा क्या होता है, एफ के स्टार होता है। सो अगर इफ दिस इंक्रीजेस तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि आउटपुट steady state output y2 is greater than steady state output y1। अब इस पूरे relation को समझने के बाद में एक misconception create हो सकती है दिमाग में, वो ये कि अगर हम saving rate को increase करते चले जाएं, if we keep on increasing the saving rate, उससे क्या है कि capital जो है steady state capital increase होता चला जाएगा और y जो है हमारा वो भी increase होता चला जाएगा। There is no end to that कि हम सेविंग रेट को जीरो से बढ़ाकर 100% कर लें, और 100% करने के बाद में हमारा क्या होगा कि हम हमारा आउटपुट है अनएंडिंगली इंक्रीज होता चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हर चीज का अपना एक ऑप्टिमम लेवल होता है, ऑप्टिमम लेवल इसका भी है, कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्टिमम सेविंग रेट होता है जिस पर ये हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाता है। उसके बाद में अगर हम इंक्रीज करने की कोशिश भी करते हैं सेविंग रेट को, इट विल नॉट यील्ड अस मोर आउटपुट, उससे ज्यादा आउटपुट हमें मिलने वाला नहीं है। तो वो क्या है, वो ऑप्टिमम लेवल क्या है, जैसा मैंने कहा देयर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन व्हिच इज कॉल्ड द गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल। यही गोल्डन रूल है कि हर केस में एक लेवल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि ये एक लेवल होगा इसका कितनी कैपिटल हम एक्यूमुलेट करें जिससे कि हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो यहां इस रिलेशन को समझने की अब कोशिश करेंगे कि ये गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल बेसिकली जो है वो सिर्फ इतना यहां पर उसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सेविंग रेट जो है हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है, ऐसा सेविंग रेट चाहिए जिसमें कि कंजम्पशन पर इफेक्टिव लेबर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। कंजम्पशन क्यों मैक्सिमाइज करनी है हमें पर इफेक्टिव लेबर, क्योंकि जो इकोनॉमी में जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक किसी इकोनॉमी में, वो आउटपुट को लेकर के यानी हमारी इकोनॉमी का आउटपुट कितना होने वाला है उससे कंसर्न नहीं है, आउटपुट कम हो या ज्यादा हो, मोस्टली दे आर कंसर्न विद द कंजम्पशन, उनकी अपनी इंडिविजुअल कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए तो दे आर हैप्पी। तो हमें गोल्डन रूल में यही समझना है कि हमें ऐसा सेविंग रेट हमें अचीव करना है जिससे कि हमारा कंजम्पशन पर यूनिट इफेक्टिव लेबर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए स्टडी रेट
स्टडी स्टेट के होते हुए, राइट एट द स्टडी स्टेट. ये बाय मिस्टेक, दिस इज बेसिकली स्टडी स्टेट, राइट. सो ऐसे कैपिटल लेवल को जो एक पर्टिकुलर ऐसे सेविंग रेट की वजह से अचीव हुआ है जहां की कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो जाए, समझिएगा, यानी कि ऐसा कैपिटल लेवल जिस पर कि एक ऐसा सेविंग रेट की वजह से जो हमें अचीव हुआ है, ये किससे अचीव हुआ हमें, एक ऐसे सेविंग रेट की वजह से जिस सेविंग रेट पर हमारा जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है. यही हमारा गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल है और इसको हम गोल्डन रूल कैपिटल एक्यूमुलेशन कहते हैं. यानी इस लेवल ऑफ कैपिटल को हम गोल्डन रूल कैपिटल एक्यूमुलेशन बोलते हैं, राइट. सो वी नो दैट सी प्लस आई गिव्स अस वाई. सो सी इज इक्वल टू वाई माइनस आई. और इसी को अगर हम पर इफेक्टिव लेबर करना चाहें, यानी कि डिवाइड कर दें हम ए एल से. नाउ वी गेट स्मॉल सी, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आई. और इसी को अगर हम स्टडी स्टेट लेवल के लिए करें तो स्टडी स्टेट लेवल पर हमारा ये स्टार लगा करके स्मॉल सी इक्वल होगा स्मॉल वाई माइनस स्मॉल आई. अब क्योंकि वाई जो है हमारा, वाई होता है एफ के, सो वी रिप्लेस दिस बाय एफ के. और आई जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो जाता है स्टडी स्टेट पर इसके. क्यों? क्योंकि हमारा के डॉट क्या होता है, जीरो होता है. के डॉट जीरो होने की वजह से हमारा क्या होता है, एस एफ के बराबर हो जाता है एन प्लस जी प्लस डेल्टा के. ये रिलेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. और ये हमारा सेविंग क्या है, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. सो हमने इसको रिप्लेस किया ऐसे, राइट. एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं. सो यू गेट दिस रिलेशनशिप व्हिच इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अंडर द गोल्डन रूल. ये स्टार डिनोट कर रहे हैं यहां पे कि ये सारी वैल्यूज जो है ये स्टडी स्टेट के लिए हैं. तो वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस कंजम्पशन. तो यहाँ कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो जाए और हमारे पास जो कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो ये इन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ये मैक्सिमाइज हो जाए हमारे लिए, राइट. सो दैट इज द गोल्डन रूल. नाउ यू कैन सी कि अगर हमारा, देखिए इस डायग्राम में देखिए, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, वो कंजम्पशन लेवल जहां हमारा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो रहा है उसको हम सी गोल्ड कह रहे हैं एंड दिस इज आई गोल्ड, राइट. यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है डायग्राम में, करेक्शन कर लीजिएगा आप, कि बेसिकली दिस इज नॉट एस एफ के, दिस इज राइट, दिस इज ओनली एफ के स्टार. एफ के स्टार क्या होगा, वो वाई होगा. एफ के क्या होता है, वो होता है वाई. सो दैट मीन्स दिस इज बेसिकली, दिस इज योर आउटपुट कर्व. और यहां हमने आउटपुट और यहां हमने स्टडी स्टेट, ये कैपिटल हमने यहां पर डिपिक्ट किया है. सो यू कैन सी कि जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इज एक्चुअली राइजिंग, क्योंकि एक नॉर्मल फिनोमेना है सोलो मॉडल का और स्टेडी स्टेट में भी ये चलता है. ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है इंपैक्ट ऑफ एन जी एंड डेल्टा. तो ये इनकी वजह से जो हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, परफेक्ट कैपिटल परफेक्टिव लेबर में डिक्रीज होता है इन सारे की वजह से. तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि हमें कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है. वी हैव टू सी कि कंजम्पशन कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है. Now, have a look at it. This curve is depicting the investment. This is depicting investment and we know that why, yani income can either be consumed or it can be saved or saving agar investment ke barabar hai to I. C plus I. So, ye pura agar ye yahan
देखें कि ये इफ दिस इज इनकम, इनकम में से अगर हम ये सेविंग वाला कंपोनेंट अगर हम डिक्रीज कर दें, सो वी गेट ये जो पूरा है, ये सारा ये जो गैप है, ये गैप ऑन एवरी लेवल ऑफ कैपिटल, किसी भी लेवल ऑफ कैपिटल पर ये गैप हमें बताता है कि कंजम्पशन कितना है किसी भी लेवल ऑफ कैपिटल पर, और ये नीचे वाला जो है ये हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितना है। तो हमने अपनी पूरी इनकम को, ये अगर हमारी इनकम थी, इनकम का कितना पार्ट हमने कंज्यूम किया और कितना पार्ट हमने इन्वेस्ट किया, ये बेसिकली ये डिफरेंसेस हमें बताते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि इन दोनों कर्व्स का, कर्व ये वाला कर्व और ये कर्व, इन दोनों का गैप जो है वो मैक्सिमाइज हमें करना है। सो यू कैन सी एट दिस पॉइंट दिस इज गेटिंग मैक्सिमाइज, यहाँ ये मैक्सिमाइज हो रहा है, या यूं कहिए कि हमारा जो वर्टिकल यहाँ कंपोनेंट है ये हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, ये दिस इज लार्जेस्ट, ये यहाँ से बढ़ते 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 यू कैन सी कि ये यहाँ आकर मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाईएस्ट हियर, तो कंजम्पशन बेसिकली हमें इंक्रीज करना है, और वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन है उसे हम गोल्डन रूल लेवल ऑफ कंजम्पशन एट स्टडी स्टेट कहते हैं। स्टडी स्टेट क्यों, देखिए सी स्टार लगा रखा है हमने यहाँ पे, तो स्टडी स्टेट में तो सारा कॉन्टेक्स्ट सारा स्टडी स्टेट के अंडर ही चल रहा है, और जहां कंजम्पशन हाईएस्ट हो जाता है दैट इज सी स्टार गोल्ड, और उसी लेवल पर इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्डन रूल इन्वेस्टमेंट ये हमारा हो गया, राइट। सो टू अचीव द गोल्डन रूल स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल के स्टार गोल्ड, ये हमारा गोल्डन रूल लेवल हो गया हमारा। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना कैपिटल एक्यूमुलेशन हमारा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं, कितना हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन होना चाहिए और इफेक्टिव लेबर से अगर हम उसे डिवाइड करें, सो वी गेट द स्मॉल के, तो स्टडी स्टेट पर के स्टार होगा, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली वो इतना होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या है हमारा, हमें हमारे पास ऐसा सेविंग रेट है, गोल्डन रूल सेविंग रेट है हमारे पास ऐसा, जिससे कि हमारा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो रहा है। तो सी स्टार गोल्ड हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और इस पर्टिकुलर सेविंग रेट पर मैक्सिमाइज हो रहा है। सो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ सेविंग, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं कि हाउ इट इज अप्लाइड एक्चुअली इन प्रैक्टिस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑन स्टडी स्टेट एंड गोल्डन रूल, दैट्स इट।